गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। आप सभी पहली कक्षा में हो, हाँ, और अभी हमारा हिंदी का पीरियड है ना? हाँ, तो बच्चों, इससे पहले हमने कुछ वर्णों की पहचान की थी, आज भी हम कुछ नए वर्णों की पहचान करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? हाँ, तो आपके पास यह बुक होगा, देखो सबके पास है। हाँ, हमारे बुक का नाम है हिंदी अक्षरमाला भाग ब। अब इस किताब में हम पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो इसमें से पेज नंबर आप 3030 निकालो, 3030 और 3131। तो इस पेज पे आपको यह वर्ण दिखाई देगा। तो ये वर्ण कौन सा है आपको मालूम है? इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है? हाँ, वेरी गुड। तो यह ड नहीं है, यह वर्ण ड नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या है? यहाँ पे बिंदु है ना? हाँ, तो इसको हम एक साथ बोलेंगे। किस तरह बोलेंगे? देखो, पहला हमारा वर्ण कौन सा आता है? क। उसके बाद ख, उसके बाद ग, घ, और इसको बोलते हैं ञ। क्या बोलते हैं? यों। फिर एक बार हम दोहराएंगे, क ख ग घ य। हाँ, तो इसका जो उच्चारण है ञ का, वो हम नाक से करते हैं, ठीक है बच्चों? और एक बात है कि इस अक्षर से, इस वर्ण से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है? तो आप यदि यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चित्र दिखाई देगा। क्या चित्र है यहाँ पे? एक बिल्ली है और एक चूहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में गेंद से खेल रहे हैं, है ना? हाँ, तो चलो अब हम ये पढ़ेंगे। हाँ, चलो पढ़ो मेरे साथ। यहाँ खाली का देखो मैं, वर्ण से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है? आपको सिर्फ क्या करना है, तो आपके पास जो पेंसिल होगी, सबके पास पेंसिल है ना? हाँ, तो इसका सिर्फ आपको लेखन प्रैक्टिस करनी है, लेखन सराव करना है, ठीक है? पर इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक है बच्चों? इसका उच्चारण आपके समझ में आ गया? वेरी गुड। इसका उच्चारण नाक से करते हैं, ठीक है? नाक में करते हैं। किस प्रकार? क ख ग घ य। किस प्रकार करते हैं? य। हाँ, तो आपके समझ में अभी इसका उच्चारण आ गया होगा, ठीक है? तो आप अच्छे हैंडराइटिंग में इस सबको पूरा करो। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में आपको ये सब ट्रेस करना है, इसको अच्छे से कलर करना है। हाँ बच्चों, लेकिन एक बात याद रखो कि इसको कलर करते से मैं आप काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको जो रंग अच्छा लगता है, लाल, हरा, नीला, पीला, किसी भी रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप काले रंग का इस्तेमाल नहीं करने वाले, ठीक है बच्चों? हाँ, इसके बाद यदि आप पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारा अगला वर्ण है। तो हमारा अगला वर्ण है च। क्या है? च। तो च से कौन से शब्दों की शुरुआत होती है मालूम है आपको? हाँ, यदि हम हमारी वर्कशीट देखेंगे तो यहाँ पे कितने सारे पिक्चर में देखिए, च से चम्मच, च से चरखा, च से चूहा, च से चटाई, हाँ, और च से चटनी, ऐसे कितने सारे शब्द आते हैं। तो हमारे बुक में चरखा दिखाई देगा यहाँ पे, देखो 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 सब देखो, चरखा है ना यहाँ पे? हाँ, तो इस चरखे को आपको क्या करना है? अच्छे से डॉट जोड़ कर यहाँ पे चो लिखना है। तो हम चरखे का भी गाना गाएंगे, गाएंगे ना मेरे साथ? हाँ, च से चरखा बापू
किसका प्यारा है? बापू का प्यारा है, और उससे हम क्या करते हैं? सूत काटते हैं। तो ये बापू, बापू कौन है मालूम है आपको? हाँ, महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनको हम बड़े प्यार से क्या कहते थे? हम सब भारतीय उन्हें बापू कहते थे, इसीलिए यहाँ पे बापू जी का नाम आया है। और बापू जी इस चरखे पर सूत कताई करते थे। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये चरखा जो है इससे क्या करते हैं? सूत कताई यानी कि धागा, धागे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो रुई होती है कॉटन, हाँ, उससे यहाँ पे क्या करते हैं? थ्रेड, जिसको अंग्रेजी में हम थ्रेड बोलते हैं, हाँ, धागा जिसको मराठी में हम डोरा कहते हैं, तो उसकी अच्छे से यहाँ पे क्या करते हैं? वो तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो आपको पेंसिल से क्या करना है? इस चो चो इस वर्ण के आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और लिखते समय तो आप बोलने वाले हैं चो से चरखा। ये देखो यहाँ पे मैंने चरखा निकाला है, और हमारे यहाँ पे कौन सा वर्ण आता है? चो, चो से चरखा, चो, चो से चरखा, और इस प्रकार चरखा होता है। ठीक है बच्चों, तो अच्छे आप हस्ताक्षर में ये पेज अच्छे से कंप्लीट करो। कौन से हैं? 32 और 33। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। इसके बाद हमारी बारी आती है अगले वर्ण की। हाँ, बारिश में हम जाते हैं, आपको बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है ना? हाँ, और बारिश में हम छाता लेकर कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको छाता दिखाई देगा, हाँ, रंग बिरंगा है ना? हाँ, तो छ से कौन सा शब्द आता है? छ से छतरी, छतरी यानी कि छाता। ठीक है, छ से छतरी, छ से छतरी, और यह है छतरी। छतरी को हम अंग्रेजी में अम्ब्रेला कहते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम कब कब करते हैं? बारिश में जब हमें घर से बाहर जाना होता है तो हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो छ से सिर्फ छतरी यही एक शब्द आता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। यदि आप आपकी वर्कशीट देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा छ से छत्ता, छ से छलनी, हाँ, और क्या आता है? छ से छत, हाँ बच्चों, हाँ, इतने सारे शब्द छ से आते हैं। तो आपको अभी क्या करना है? हमारा जो पेज नंबर है 34, 35, इस पेज पर आपको क्या करना है? छ लिखकर अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो कितना प्यारा छाता है देखो, है ना? हाँ, तो इसकी कविता भी हम गाने वाले हैं अभी। चलो आओ मेरे साथ। छ से छतरी काम है आती, बारिश से यह हमें बचाती। छ से छतरी काम है आती, बारिश से यह हमें बचाती। तो जब बारिश आती है तो हम छतरी लेने से भीगते नहीं है, है ना? हाँ, तो बच्चों आज हमने एक, दो और तीन, इन तीन वर्णों की क्या की है? पहचान की है। आपको आपके बुक में अच्छे से यह सब वर्ण लिखने हैं। और हमारा बुक कौन सा है? यह बुक है ना? हाँ, इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे नोटबुक की, यानी कि हमारी कॉपी। तो यहाँ पे भी आपको ये सब लिखना है। लेकिन बच्चों ये जो ञ वर्ण है यह हमें सिर्फ एक बार ही लिखना है। ठीक है, हाँ, और जो और छ वर्णों को हमें बार बार लिखकर अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, हाँ, इसके बाद हमारी बारी आती है हमारे वर्कशीट की। हाँ, तो वर्कशीट तो आप सभी अच्छे से छुड़ाते हो ना? हाँ, तो हमें हमारे स्कूल का नाम क्या है बताओ? हाँ, हमारे स्कूल का नाम है रोटरी इंग्लिश मीडियम स्कूल खेल। और आप कौन सी कक्षा में हो?
पहली कक्षा में हो तो आपको यह च वर्ण अच्छे से यहाँ पर देख देख कर लिखना है और लिखते समय आपको बोलना भी है च से चम्मच, च से चरखा, च से चूहा, च से चटाई। इस तरह से बोल बोल कर आपको यहाँ पे यह च अच्छे हस्ताक्षर में यहाँ लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी देखो कौन से तीन चित्र है, च से चम्मच, च से चटनी और च से चरखा। तो ये देख देख कर बोल बोल कर आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों। हाँ, इसके बाद बारी आती है छ वर्ण की। तो जो छ वर्ण की हमारी वर्कशीट है इसको हम अच्छे से छुड़ा दिवाने हैं। तो यह कौन सा चित्र है, हाँ यह चित्र है छतरी का, यस। और ये क्या है, छलनी, हाँ। और इसके बाद यह क्या है, छत। आप पेज टर्न करोगे यहीं पे आपको यही दिखाई देगा, देखो छ से छत, छ से छलनी, छ से छतरी। तो ये अच्छे से आपको गुड हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है बच्चों। और अच्छी पढ़ाई करो आप सब, हाँ, क्योंकि मैं जो बच्चे अच्छे से वर्कशीट छुड़ाएंगे उनको मैं देने वाली हूँ बड़ा स्टार। तो आपको बड़ा स्टार चाहिए, हाँ। तो देखिए देखो बच्चों, इस तरह से मैं स्टार देने वाली हूँ। तो अच्छे से आप पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से पढ़ाई करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।